1961 में शशि कपूर की पहली मूवी आई धर्मपुत्र, और दोस्तों ये मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी दूसरी मूवी आई चार दीवारी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1962 में इनकी तीसरी मूवी आई प्रेम पत्र, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मेहंदी लगी मेरे हाथ, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1963 में इनकी मूवी आई ये दिल किसको दूं, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हॉलीडे इन बॉम्बे, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई द हाउस होल्डर, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1964 में इनकी मूवी आई बेनाजीर, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। 1965 में इनकी मूवी आई मोहब्बत इसको कहते हैं, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वक्त, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल इनकी मूवी आई जब जब फूल खिले, और दोस्तों ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। 1966 में शशि कपूर की मूवी आई नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई बिरादरी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्यार किए जा, और ये मूवी सेमी हिट रही। 1967 में इनकी मूवी आई आमने सामने, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दिल ने पुकारा, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1968 में शशि कपूर की मूवी आई जुआरी, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कन्यादान, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हसीना मान जाएगी, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट कराएगी। 1959 में इनकी मूवी आई राजा साहब, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल शशि कपूर की मूवी आई एक श्रीमान एक श्रीमती, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्यार का मौसम, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जहां प्यार मिले, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1970 में इनकी मूवी आई रूठा ना करो, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई अभिनेत्री, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माई लव, और दोस्तों ये मूवी एवरेज से कम रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सुहाना सफर, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बॉम्बे टॉकीज, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1971 में शशि कपूर की मूवी आई पतंगा, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शर्मीली, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1972 में इनकी मूवी आई जानवर और इंसान, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई सिद्धार्थ, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चोरी चोरी, दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। 1973 में इनकी मूवी आई नैना, और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आ गले लग जा, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1974 में शशि कपूर की मूवी आई पाप और पुण्य, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रोटी कपड़ा और मकान, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वचन, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मिस्टर रोमियो, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जीवन संग्राम, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई इंसानियत, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई चोर मचाए शोर, और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। 1975 में इनकी मूवी आई सलाखें, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दीवार, और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अनाड़ी, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई प्रेम कहानी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चोरी मेरा काम, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1976 में इनकी मूवी आई शंकर दादा, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नाच उठे संसार, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दीवानगी, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कोई जीता कोई हारा, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बजरंगबली, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई फकीरा, और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कभी कभी, और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई आप बेटी, और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1977 में इनकी मूवी आई मुक्ति, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई चोर सिपाही, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई चक्कर पर चक्कर, और भाई साहब ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई फरिश्ता या कतली, और ये भी मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ईमान धर्म, और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हीरा और पत्थर, और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई दूसरा आदमी, दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। 1978 में इनकी मूवी आई मुकद्दर, और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अमर
सकती। और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई आहूति और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई त्रिशूल और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई राहु केतु और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई दो मुसाफिर और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अतिथि और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई फांसी और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी मूवी आई अपना खून और दोस्तों ये मूवी भी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हीरा लाल पन्ना लाल और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सत्यम शिवम सुंदरम और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई कृष्णा और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। 1979 में इनकी मूवी आई काला पत्थर और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दुनिया मेरी जेब में और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गौतम गोविंदा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जुनून और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई एहसास और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई सुहाग और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। 1980 में इनकी मूवी आई दो और दो पाँच और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई काला पानी और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गंगा और सूरज और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई काली घटा और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई नियत और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई शिव शक्ति, दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई शान और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई स्वयंवर और दोस्तों ये मूवी भी सेमी हिट रही। 1981 में इनकी मूवी आई क्रोधी और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बसेरा और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई मान गए उस्ताद और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई क्रांति और दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कलयुग और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई एक और एक ग्यारह और दोस्तों ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सिलसिला और दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। 1982 में शशि कपूर की मूवी आई विजेता और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई बेजुबान और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई वकील बाबू और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई सवाल और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नमक हलाल और दोस्तों ये मूवी सुपर हिट रही। 1983 में शशि कपूर की मूवी आई बंधन कच्चे धागे का और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई गहरी चोट और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घनघोर और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। 1984 में इनकी मूवी आई पाखंडी और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई उत्सव और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई यादों की जंजीर और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बंधे होंठ और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घर एक मंदिर और दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई जमीन आसमान, इस मूवी में भी इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। 1985 में इनकी मूवी आई बेपना और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई पिघलता आसमान और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अलग अलग और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई भवानी जंक्शन और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई आंधी तूफान और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1986 में इनकी मूवी आई स्वाति और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई माँ बेटी और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई न्यू दिल्ली टाइम्स और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई एक मैं और एक तू और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई औरत और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई इल्जाम और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1987 में शशि कपूर की मूवी आई अंजाम और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई प्यार की जीत और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नामो निशान और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई घर का सुख और दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई इजाजत और दोस्तों इस मूवी में भी इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। इसके बाद इनकी मूवी आई सिंदूर और दोस्तों ये मूवी सेमी हिट रही। 1988 में शशि कपूर की मूवी आई हम तो चले परदेश और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई कमांडो और दोस्तों ये मूवी हिट रही। 1979 में इनकी मूवी आई गैर कानूनी और दोस्तों ये मूवी भी
एवरेज रही। इसी साल इनकी मूवी आई मेरी जबान और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई क्लर्क और दोस्तों ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई बंदूक दहेज के सीने में और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई फर्ज की जंग और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई तोहीन और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ऊंचे नीचे बीच और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद शशि कपूर की मूवी आई जायजाद और दोस्तों ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी मूवी आई आखिरी मुकाबला और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1991 में इनकी मूवी आई अकेला और दोस्तों ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1994 में इनकी मूवी आई सबूत मांगता है कानून और दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही। 1998 में इनकी मूवी आई स्वामी विवेकानंद और दोस्तों ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई घर बाजार और दोस्तों इस मूवी में इन्होंने स्पेशल एवरेज दिए थे। तो दोस्तों ये था शशि कपूर का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।